हेलो, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग डिशेस। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इजी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, उसे भी फॉलो करिए, लाइक करिए। हमें ये रेसिपी बनाने के लिए चाहिए एक मीडियम साइज़ प्याज, दो अंडे लेंगे हम। प्याज को हम आमलेट की तरह अच्छे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने चेरी टोमेटोस चार लिए हैं, एक हरी मिर्ची और थोड़े से पत्ते लेटस के। हम इस तरह से इसे कट करके रख लेंगे। यहाँ हम लेंगे कटोरी, उसमें हम पहले एक अंडा निकाल के चेक कर लेंगे। मैं हमेशा जब भी यूज़ करती हूँ अंडा, इस तरह निकाल के पहले कटोरी में चेक करती हूँ, बाद में ही जब पैन में डालती हूँ। तो अब हम पैन में तेल डालेंगे, थोड़ा सा गर्म हुए बाद अब इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। अब इसे फ्राई होने देंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स करके अच्छे फ्राई होने देंगे प्याज को। अब यहाँ डालेंगे आधा चम्मच से कम अदरक लहसुन पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर डालेंगे एक हरी मिर्ची कटी हुई, या आप जितनी डालना चाहें वो उतनी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, इसे फ्राई होने देंगे। कभी आप लोग चिल्ली फ्लेक्स भी यूज़ करिए। हाँ, हालांकि मिर्ची के वैसी ही टेस्ट है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिए। अब इसमें हम डालेंगे चेरी टोमेटोस और लेटस जो हमने काट कर पहले ही रख लिया था, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे जो हमने कटोरी में निकाल कर रखे थे, इस तरह से डाल दें। इसे थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे ताकि हम अच्छे से इसे पलटा सकें। जर्दी को इस तरह से फोड़ दें वरना वो अंदर कच्ची रह जाएगी। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ताकि ये ऊपर अंडे में भी नमक मिर्ची रहे, टेस्ट अच्छा आ जाए। इसे हम फौरी ही नहीं पलटाएंगे क्योंकि अभी ये पका नहीं है, इसे एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसे अच्छे से हम पलटा सकें। अब ये अब फ्राई हो चुका है नीचे से, अभी हम इसे पलटाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी पलटाएं इसे। है तो नॉर्मल ही रेसिपी, अक्सर तो हम लोग ऑमलेट इसी तरह बनाते हैं, मगर थोड़ा सा बस डिफरेंट है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। मुझे कमेंट करे थे कि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ इजी रेसिपी, तो मैंने इस तरह ये बताया है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। इसे एक और बार पलट कर हम इसे भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। प्याज अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती है साइडों की, बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। ईजी भी है ये, बच्चे भी फ्राई कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारी डिश रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी थी ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।